गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। जी हाँ, युद्ध में जीत हार उसी की होती है जो मैदान में लड़ने जाता है। हम बात कर रहे हैं देश में चुनावी युद्ध की। देश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होना है। ये सबको पता है कि देश में भगवा राज चल रहा है, भाजपा या कहें मोदी शाह से टकराना किसी भी दल के लिए लोहे के चने चमाने के बराबर है। पर आगामी चुनावों के लिए भाजपा सिर्फ एक मजबूत प्रतिद्वंदी है, कोई घोषित विजेता नहीं है। इसीलिए विपक्षी अगर इन्हें मजबूत मानकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए तो देश में भाजपा को मिलने वाली चुनौती ही खत्म हो जाएगी। और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों का ताकतवर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक किसी की जीत नहीं हो जाती तब तक सभी के जीतने की उम्मीदें बनी रहती हैं। कहते हैं ना, जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूं, अभी से हार क्यों स्वीकार कर लूं, फैसला होने को बाकी है। जी हाँ, अभी होने वाले संग्राम के लिए जनता का फैसला बाकी है। कौन सा दल जनता के भरोसे पर ज्यादा खरा उतरेगा, इसका निर्णय अभी नहीं हुआ है। इसीलिए कोई भी दल चाहे कमजोर हो चाहे ताकतवर, उसे पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना चाहिए। आज कांग्रेस की स्थिति देश में भले ही कमजोर है, लेकिन पार्टी पूरी ताकत के साथ भाजपा को चुनौती देने को तैयार है। आज की चर्चा कांग्रेस की रणनीतियों पर है। ये सच है कि किसी भी सर्वे में देश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती दिख रही है, पर यह भी सच है कि भाजपा की लहर भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। कुछ राज्यों में तो भाजपा की सरकार गिरती हुई दिख रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि भाजपा की जड़ें कमजोर हो गई हैं। ये बात कांग्रेस को भी भली भांति पता है, इसीलिए देश हो या राज्य, कांग्रेस पूरी तरह कमर कसकर मैदान में आ चुकी है। खुद राहुल गांधी ने इसी मुहिम की कमान थामे हुई है। बीजेपी के मिस्ड कॉल से सदस्य बनाने के जवाब में कांग्रेस ने शक्ति ऐप लॉन्च किया है और चुनाव तक 1 करोड़ कार्यकर्ताओं की फौज इस ऐप से तैयार कर ली जाएगी। प्रोजेक्ट शक्ति के जरिए महिलाएं सीधे पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी तक अपनी बात पहुंचा सकेंगी। प्रोजेक्ट शक्ति का टोल फ्री नंबर है 7996479964। कांग्रेस का ऐसा दौर जिससे पार्टी पूरे देश में मजबूत होगी, ये तो हुई केंद्र की बात। राज्य चुनाव में भी कांग्रेस कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है, इसलिए कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों पर भी निशाना साध रही है। कांग्रेस ने तो शिवराज सरकार को चारों की सरकार तक कह डाला। कांग्रेस बोली कि आजादी के लिए कांग्रेस गोरों से लड़ाई लड़ी थी, अब चारों से लड़ेगी। कांग्रेस की इस रणनीति से इतना तो तय हो गया कि पिक्चर अभी बाकी है। लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, कांग्रेस सत्ताधारी भाजपा को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। कौन जानता है कि चुनाव के वक्त जनता का रुख क्या होगा, हो सकता है कांग्रेस का सिक्का चल निकले और जनता एक बार फिर से भाजपा को पंजा दिखा दे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टूडेज फॉर मोर वीडियोज़।